नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश भर के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने आज संवाद किया है। बैठक में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा, लॉकडाउन का असर पड़ा है और हमें लाभ मिल रहा है, हमारे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। हमारे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। देश भर के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने संवाद के दौरान में ये तमाम बातें कही हैं। देखिए, आज एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से देश के तमाम मुख्यमंत्री जुड़े और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, अपने मन की बात की, अपनी स्थिति बताई राज्य की क्या है। कोरोना वायरस महासंकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिख रहा है। लॉकडाउन का भी प्रभाव पड़ा है, जिसका हमें लाभ देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन पर आगे की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मेरी सभी मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर बात होती रहती है, लेकिन सामूहिक तौर पर यह हमारा चौथा संवाद है। गौरतलब है, इससे पहले भी 3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर फैसला होना है। कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है, कुछ राज्यों में कोरोना वायरस से मुक्ति भी हुई है। इस बैठक में करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी बात की और राज्य को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी पेश की है। मेघालय, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बने। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, 27,892 लोग अब तक कोरोना संक्रमित है, 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं, 872 अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां बैठकों का दौर चल रहा है, राज्य स्तर पर भी अपनी अपनी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से उनके प्रदेश के हालात जाने। इसके साथ साथ इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद उन्होंने भी किया। कोरोना वायरस के मामलों की अगर हम बात करें तो देखिए, देश में अब तक 27,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, 872 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और इसमें 27,892 का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। और जिस तरह से 872 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। 6,185 लोग अभी तक रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। अलग अलग जिलों में 26 लोगों में संक्रमण पाया गया है। कानपुर में 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। फिरोजाबाद में भी आज 6 लोगों में संक्रमण पाया गया। उन्नाव में एक महिला पत्रकार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ के केजीएमयू के स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि। गोरखपुर में दिल्ली से आए मरीज में कोरोना संक्रमण। ताजनगरी आगरा में 2 नए केसेज आज आए हैं। झांसी में एक और मरीज। लखनऊ में 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि। बुलंदशहर में 2 नए केसेज हैं। पीलीभीत में आज एक और नया पॉजिटिव केस है। तो लखनऊ के केजीएमयू के स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। देखिए, आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार इन तमाम बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर तैयारियां कर रही है, लेकिन इस बीच फिर भी चिंता का विषय है। रायबरेली में 45 लोगों में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायबरेली में जहां राहत की खबर है, वहीं ताजनगरी आगरा में आज फिर से 2 नए केसेस मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगरा लगातार एपिक सेंटर बना हुआ है। लखनऊ में भी लगातार केसेस में इजाफा हुआ है। इसके बाद बात मेरठ की करें, गाजियाबाद की करें, ग्रेटर नोएडा की करें, पीलीभीत, रायबरेली, ये तमाम वो जिले हैं जो इस वक्त प्रभावित हैं। और सीएम योगी लगातार टीम 11 के साथ में इस जंग को जीतने के लिए चर्चा भी कर रहे हैं। आज फिर से एक बार बैठक हुई है, इससे पहले तमाम पहलुओं पर चर्चा होती रही, वो चाहे मासिव स्केल पर पूल टेस्ट की बात हो या फिर प्लाज्मा थेरेपी की, लोगों को बचाने के लिए प्रयास तमाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा और सख्ती अब बढ़ती जा रही है लॉकडाउन में। सीएम योगी पहले ऐलान कर चुके हैं कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन आज फिर से केसेस में इजाफा हुआ है उत्तर प्रदेश में। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर डीएम कुमारी शैलजा पहुंची मंडी।
पहली बार कोई डीएम आरतियों के बीच पहुंची। मंडी पहुंचकर डीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया। आरतियों ने बाहर से आने वालों की शिकायत की, रिक्शे वाले तक के पास मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। डीएम ने ये निर्देश दिए हैं। देखिए आम तौर पर आरतियों के बीच में डीएम पहुंचे, ये आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में डीएम कुमारी शैलजा मंडी पहुंची और उन्होंने पहली बार डीएम के तौर पर, जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि लोग कम ही नजर आते हैं अधिकारी, लेकिन आरतियों से सीधा संवाद उनकी ओर से किया गया और ये बहुत रेयरली होता है। यानी कभी कभार इक्का दुक्का ऐसे कोई डीएम होता है जो इस तरह सीधे संवाद स्थापित करता है, लेकिन कुमारी यहां पर जो शैलजा हैं उनकी ओर से पहुंची वो और ये प्रयास किया गया मंडी में पहुंचकर कि वो आरतियों से उनके मन की बात जाने, उनकी व्यथा क्या है, क्या परेशानियां उनको आ रही हैं। और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबके पास मास्क है कि नहीं है, इसके अलावा सैनिटाइजर्स हैं कि नहीं है। मंडी पहुंचकर खुद डीएम ने इन तमाम इंतजामों को देखा, सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर फॉलो किया गया। वो आरतियों से बातचीत भी कर रही हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी, किस तरह की कोई दिक्कत, जानने की कोशिश की। तो मंडी पहुंचकर डीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का ना सिर्फ पाठ पढ़ाया बल्कि उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। आरतियों ने बाहर से आने वालों की शिकायत की, मंडी पहुंचकर जब डीएम ने पाठ पढ़ाया तो सभी ने अपने अपने मन की व्यथा भी बताई कि क्या क्या परेशानियां इस वक्त उनको आ रही हैं। और खबर लखनऊ से, न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ एक बार फिर से। मेडिकल कॉर्पोरेशन में टेंडर जमा करने की तारीख को बढ़ाया गया। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, आज दोपहर टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब उसे दो दिन के लिए और बढ़ा दिया गया क्योंकि देखिए सुबह से ही टेंडर की वेबसाइट चल नहीं रही थी, ऐसे में जिनको टेंडर अपना जमा करना था वो नहीं कर पा रहे थे। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया, खबर दिखाए जाने के बाद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने दो दिन इसे और एक्सटेंड कर दिया है। तो खबर दिखाने के बाद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने टेंडर जमा करने की तारीख को दो दिनों के लिए और बढ़ा दिया है क्योंकि वेबसाइट चल नहीं रही थी, और जिसके बाद न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से। और हमेशा से ही न्यूज वन इंडिया जब भी खबर दिखाता है और उसका असर होता है, इस बार भी खबर दिखाई, असर भी हुआ, जिसके बाद में जिनको टेंडर भरना है उनके लिए राहत है। न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर। दोपहर टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख थी आज दोपहर, लेकिन क्योंकि वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहा था डॉक्यूमेंटेशन, इसके साथ साथ लगातार वेबसाइट बंद पड़ी थी, स्लो चल रही थी, जिसके बाद दो दिन के लिए टेंडर की तारीख को और बढ़ा दिया गया है। देखिए इन दिनों लॉकडाउन के चलते जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनकी डेट्स पहले से ही निर्धारित थी, ऐसे में अब उन लोगों की ओर से प्रशासनिक मदद के साथ में ही या फिर प्रशासन को इत्तला करने के बाद ही शादियां की जा रही हैं, विवाह समारोह को संपन्न किया जा रहा है। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते 5 बारातियों की मौजूदगी में ही तमाम शादी की रस्में हुई। दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर एक दूसरे को माला पहनाई, 7 जन्मों के लिए अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 वचन लिए, और ये पूरा कार्यक्रम सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर में हुआ। हमीरपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन के चलते 5 बारातियों के साथ में पूर्व विवाह को संपन्न कराना पड़ा। जिला मुख्यालय के संगमेश्वर मंदिर में 10 लोगों के साथ
ये शादी विवाह का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगा रखा था, एक दूसरे को माला पहनाई। सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर में शादी का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो ये हमीरपुर के संगमेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं। संगमेश्वर मंदिर में इन सभी लोगों ने जो यहाँ पर मौजूद हैं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, क्योंकि 10 लोगों की मौजूदगी में शादी विवाह जो पूरा है संपन्न कराया गया। क्योंकि देखिए इन दिनों 5 लोगों से ज्यादा लोग अलाउ नहीं है बारातियों के तौर पर। उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव के निवासी अनुज का विवाह रायबरेली के सरनी क्षेत्र के डिघिया गांव निवासी राम नरेश की बेटी अनुपमा के साथ हुआ। अनुज की मां बीमार रहती थी और वो दुबई में ही काम करता था। पिछले 1 साल से वो यहीं पर ही रह रहा है। लॉकडाउन के चलते इन दोनों के विवाह होने में समस्या आ रही थी। उधर मां की बीमारी के चलते विवाह को टाला भी नहीं जा सकता था। तब अनुज ने बिहार थाना जाकर अपनी समस्या बताई और शादी की अनुमति मांगी, तो पुलिस ने भी सोशल डिस्टेंसिंग और मानक के साथ शादी करने की अनुमति देते हुए कहा कि बारात में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं और उन्हें नियमों का पालन करना होगा। इस तरह अनुज बारात लेकर अनुपम के घर पहुंचा और पूरी सादगी से रीति रिवाजों के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने ही बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद जन्मों जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए। कहाँ के रहने वाले? पूरे नौरी सातनपुर। आज आप कहाँ आए? आज हम बारात लेके आए अपने बुआ के लड़के की। कहाँ से बारात लेकर आए? कहाँ आप बारात लेकर आए? बिहार नयाखेड़ा है। अब कहाँ बारात आई है? ये इसका नाम है डिगिया। डिगिया लेके आए हैं। कहाँ के वाले हैं? ग्राम डिगिया। आज आपकी लड़की की शादी है। हाँ जी। कहाँ से बारात आई है? नयाखेड़ा उन्नाव बिहार थाना। अच्छा, कितने लोग आए हैं बारात में? 5 आदमी। लड़के की शादी, जिसकी शादी उसका क्या नाम है? अनुज कुमार। आपकी बेटी का क्या नाम है? अनुपम जी। ये लॉकडाउन का जो है कि आप पालन नियम पालन के अनुसार कर रहे हैं, मजबूरी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नयाखेड़ा पोस्ट गौरा थाना बिहार। सर 5 लोग आए हैं और ग्राम डिहिया पोस्ट मीठापुर बराबरेली आए हैं। सर पूरा शांति भरा माहौल रखा लॉकडाउन का पालन करते हुए। सर कोई धूमधाम नहीं, सर सिंपल कार्यक्रम रहा। खबर हरदोई से है। बीजेपी विधायक ने वापस मांगी है दान की गई राशि। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों के चलते अपनी दान दी गई वापस मांगी जा रही राशि है। विधायक श्याम प्रकाश ने प्रशासन को पत्र लिखा है, कोरोना की लड़ाई में अपने 25 लाख रुपए वो वापस मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार की खबरों पर विधायक ने जवाब मांगा था, प्रशासन से जवाब नहीं मिलने पर अपनी निधि उन्होंने वापस मांगी है। भ्रष्टाचार की खबरों पर विधायक ने जवाब मांगा था, जवाब नहीं आया तो अपनी निधि से दी गए 25 लाख रुपए की राशि को वापस मांग रहे हैं। खबर हरदोई से है, जहां पर बीजेपी विधायक ने अब अपनी दान की गई राशि को वापस मांगा है। देखिए कोरोना संकट काल में सभी की ओर से अपने अपने स्तर पर राशि दी गई अनुदान में, लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग हटकर आई है सामने। जहां पर कोरोना की इस जंग में भ्रष्टाचार प्रशासन ने किया है, अस्पताल प्रशासन ने किया है, और इसी के चलते प्रशासन से जवाब न मिलने पर अपनी निधि वापस मांग रहे हैं विधायक महोदय। विधायक श्याम प्रकाश ने प्रशासन को इसी बाबत पत्र लिखा है और कहा है कि उनके द्वारा उनकी निधि से दी गई 25 लाख रुपए की राशि उनको वापस लौटाई जाए। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों के बाद में अपने द्वारा दी गई 25 लाख रुपए की अनुदान राशि को वापस मांग रहे हैं विधायक श्याम प्रकाश। कोरोना की इस लड़ाई में उन्होंने अपनी ओर से अब 25 लाख रुपए दिए थे। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों के बाद में अब वो उन्हीं 25 लाख रुपयों को वापस मांग रहे हैं और इसी बाबत उन्होंने पत्र लिखा है। प्रशासन से दरअसल उनको जवाब नहीं मिला इसी भ्रष्टाचार को लेकर, जिसके बाद से उन्होंने ये आखिरकार फैसला लिया।
स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों पर राशि वापस मांगी जा रही है। और वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, सरकार पर निशाना साधा है, घटिया पीपी किट से घोटाला किया। प्रियंका गांधी ने लिखा, दोषियों पर कब होगी कार्रवाई? यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में खराब पीपीई किट दी गई थी। देखिए, पीपीई किट अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसी पीपीई किट को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और अब प्रियंका गांधी की ओर से भी इसी को लेकर ट्वीट किया गया है। कोरोना जांच के लिए चीन से मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट को लेकर अब सवाल दागे जा रहे विपक्षी पार्टियों की ओर से और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई कब होगी। देखिए, रैपिड टेस्ट किट आईसीएमआर ने भारतीय कंपनी से 2.5 गुना कीमत पर खरीदी है या नहीं, ये भी चर्चाएं इस बीच चल रही हैं। चीन से रैपिड टेस्ट किट को लेकर भी अलग अलग राज्य सरकारों ने उसकी जांच की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए थे, उसके बाद में उसके इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रियंका गांधी ने दोषियों पर कार्रवाई कब होगी ये लिखा है ट्वीट कर। प्रियंका गांधी ने अब निशाना साधा है सरकार पर। और खबर आगरा से, जहां पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के साथ फिर से आंकड़े बढ़ गए। आगरा में कोरोना संक्रमित एक 70 साल के पुरुष की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 10 नए केसेज और आए हैं सामने। आगरा में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या हुई है 10। मामले सामने आने के बाद संख्या 371 से 81 पहुंच चुकी है। 49 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 33 हॉटस्पॉट पर निगरानी प्रशासन रख रहा है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में लगातार आगरा एपिक सेंटर बना हुआ है। आगरा के अंदर लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 49 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हो चुके हैं। 33 हॉटस्पॉट पर निगाहें इस वक्त प्रशासन की हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मौत के साथ फिर से आंकड़े बढ़ गए हैं आगरा के अंदर। और नए केसेस सामने आए हैं। इस बार 70 वर्षीय एक पुरुष की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के फिर से 10 पॉजिटिव केस आए हैं और लगातार आगरा के अंदर आलम कुछ यही है।